बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है मजेदार सा झटपट से बनने वाला मसालेदार मसूर पुलाव। तो आइए हम लोग की रेसिपी देख लेते हैं मेरी स्टाइल में किस तरह से बनती है। मसूर पुलाव बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से बिरसा करके निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम लोग खड़े गर्म मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये जीरा ले लिया है, सा जीरा, जामिंदरी का फूल, बड़ा इलचा, काली मिरी, तेज पत्ता, स्टार फूल, साबुत अक्खी मिर्च और स्टार फूल, और तज के दो टुकड़े। गरम मसाले हमारे थोड़े से तड़क चुके हैं, तो अब हम लोग इसके अंदर ही आलूओं को ऐड कर देंगे। अभी अच्छे से हमें लाल होने तक फ्राई कर देंगे। आलू देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इस टाइम पे हम लोग इस तरह से एक बड़ी चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही में क्रश हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। साथ में देखिए इस तरह से बड़े बड़े राउंड कट में कटे हुए दो टमाटर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहो तो छोटे पीस में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा अच्छा सा टेक्सचर दिखेगा तो टेस्ट आएगा। देखिए ये सूखे मसाले हम लोग ऐड कर देंगे। दो चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर ले लिया, एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के मुताबिक नमक और हल्दी। हमने नीली मिर्ची ऐड करी है, इसके लिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे हम लोग, चार से पांच चम्मच भर के। दही ऐड करने से हमारे पुलाव में माशाल्लाह बिरयानी की तरह टेस्ट आएगा। देखिए ये अक्खे मसूर जो आते हैं एक बड़े कप के नाप से, मैंने एक घंटे के लिए भिगा के ले लिया है। इसे हम लोग अब मसाले में ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे थोड़े से, और थोड़े से तली हुई प्याज। और अब इन सब चीजों को मिक्स करके हम लोग एक सीटी ले लेंगे। एक सीटी ले ली हमने, तो देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं माशाल्लाह, और मसूर भी गल चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर 6 कप भर के चावल लेने वाले हैं, उस हिसाब से हम लोग 4 कप ग्लास भर के पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने नॉर्मली खिचड़ी के राइस लेने वाली हूँ, उस हिसाब से हम लोग पानी ऐड करेंगे। अगर आप लोग बिरयानी के चावल लेते हो तो आप लोग उस हिसाब से पानी ऐड करना। और देखिए आधे नींबू का रस भी हम लोग ऐड कर देंगे। अब हम लोग चावल ऐड कर देंगे। ये मैंने एप्पल राइस ले लिया है, जो हम लोग नॉर्मली खिचड़ी बनाते घर में, इससे भी मसाला मशरूम पुलाव का टेस्ट अच्छा ही आता है। अब अच्छे से डाल लेंगे। अब चिकन मसाला ऐड कर देंगे हम लोग, एक पैकेट भर के। अब धनिया पुदीना ऐड कर देंगे हम लोग, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम हम लोग 4 से 5 सीटी ले लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा मजेदार सा मसूर पुलाव, मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी अच्छी तरह से छोटे छोटे दाने पके हमारे चावल के, आप लोगों को दिखाती हूं। देखिए देखिए इस तरह से जब हमारा पुलाव बन के रेडी हो जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग बिरसा छिड़क देंगे ऊपर से। और अगर आप लोगों को पसंद हो तो इस पे एक कोयले का धुंगा लगा देना आप लोग इस तरह से। देखिए चारों तरफ हम लोग थोड़ा सा घी डाल देंगे, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हो। ये वही घी है जो हमने रेसिपी अपलोड की हुई है हमारी आईडी पे। देखिए माशाल्लाह हमारा डूंगर अच्छे से पुलाव में हो गया है, तो हम लोग सर्व कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा गर्मा गर्म मसूर पुलाव बन के रेडी है। मैं आप लोगों को राइस दिखाती हूँ, कितनी अच्छी तरह से एकदम खिले खिले बने हैं, जिसे हम लोग ने दही के कचुम्बर के साथ सर्व कर लिया है। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की एक मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। अपनी खास दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।